हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी गाड़ी का सर्विस कुछ किलोमीटर्स पहले ही करवाया था, कुछ दिन पहले ही करवाया था। तो भाई सर्विस के बाद मैं गाड़ी मात्र जो है 455 किलोमीटर चल गई, आप देख सकते हो। तो भाई आप सभी को पता है कि जनरल सर्विस के टाइम पे गाड़ी के कुछ कुछ मेन चीजें चेंज होते हैं, जैसे गाड़ी का इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और एसी फिल्टर। तो भाई ये चार चीजें मैंडेटरी गाड़ी के सर्विस के टाइम पे चेंज होती हैं। लेकिन भाई ये गाड़ी डीजल गाड़ी है तो आप देख सकते हैं, आप इसका जो आरपीएम है 6 तक दिया हुआ है, आप देख लो भाई 6 तक अगर किसी गाड़ी में आरपीएम दिया हुआ है मतलब कि गाड़ी जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन में ना एक एडिशनल फिल्टर दिया हुआ होता है, उसको बोलते हैं डीजल फिल्टर। तो भाई इस गाड़ी का डीजल फिल्टर जो है ना लास्ट जो चेंज हुआ था ना वो 1,15,000 किलोमीटर के आसपास हुआ था। 1,15,000 किलोमीटर में जब इस गाड़ी का सर्विस हुआ था ना उस टाइम इसका डीजल फिल्टर चेंज हुआ था, और अभी तक एक बार इसका डीजल फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। गाड़ी जो है 1,34,000 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब कि टोटल मान लो 20,000 किलोमीटर चल चुकी है लेकिन इसका अभी तक डीजल फिल्टर चेंज नहीं हुआ है। तो भाई आज ही हम इसको रिप्लेस करवाने वाले, और ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस करवा नहीं पा रहा था, वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला था। भाई आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे जो इस गाड़ी का डीजल फिल्टर रिप्लेस किया जाता है। सो अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। फटाफट अपने मैकेनिक के पास चलते हैं, फिर आपको मिलता हूं। तो भाई मैकेनिक के पास पहुंचने से पहले इस गाड़ी के डीजल फिल्टर में ऐसा प्रॉब्लम क्या है, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो भाई इसका जो डीजल फिल्टर है ना उसका जो सॉकेट है ना वो ओपन नहीं हो पा रहा है, और ये जो है लगभग गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल चुका है कि अभी तक ये ओपन नहीं हो पाया। तो भाई इसका सॉल्यूशन जो भी निकलेगा ना आपको मैं वीडियो में आके दिखा दूंगा। तो भाई फटाफट से मैकेनिक के पास चलते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूं। तो भाई फाइनली अपने मैकेनिक के पास पहुंच गए। तो भाई इस गाड़ी का जो डीजल फिल्टर है ना वो जस्ट फ्यूल टैंक के बगल में ही होता है। तो भाई बहुत सारे गाड़ी में जो डीजल फिल्टर होता है ना वो गाड़ी के बोनट में रहता है, इंजन बे के पास में रहता है, लेकिन भाई इस गाड़ी का जो डीजल फिल्टर है ना वो टैंक के बगल में दिया हुआ है। तो भाई फाइनली डीजल फिल्टर का जो असेंबली हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, लेकिन भाई इसका अपना सॉकेट ओपन करने की कोशिश फिर से कर रहे हैं। तो भाई हम लोग ना इसका जो है एक बार और ट्राई कर रखा है लेकिन फिर भी ओपन नहीं हो रहा था। तो लेकिन एक बार और ट्राई करते हैं, फिर देखेंगे कि भाई क्या हो पाता है, क्या हमको ये डीजल फिल्टर असेंबली ही रिप्लेस करना पड़ेगा या फिर जो भी कुछ होगा ना आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा। तो भाई भैया इसको बहुत देर से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ओपन हो ही नहीं पा रहा। तो भाई देख सकते हो पूरा असेंबली बाहर निकाल दिए और हाइड्रोलिक प्रेस में भी इसको दबा दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन भाई इसको कैसे भी खोलना ही है, अगर ये नहीं खोलता तो भाई आज हम लोग जो है इसमें नया डीजल फिल्टर असेंबली जो है इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन भाई देखते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं। भैया देख सकते हो भैया जो है कुछ रबर का जो है ये पार्ट है इससे ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई ये इससे भी ओपन नहीं हो रहा है, ये बार बार जो है स्लिप कर जा रहा है, क्योंकि भाई डीजल जो है थोड़ा स्लिपरी होता है जिसकी वजह से ना ये बार बार जो है स्लिप हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इतने बड़े जो है टूल से इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हो सकता है ये टूट जाए, तो या तो ये टूट जाए या जो भी हो ना भाई इस वीडियो में हो ही जाए। अगर ये टूट जाता है तो इसमें जो है नया फिल्टर असेंबली लगा लेंगे, अगर ये ओपन होता है तो भाई इसको फिल्टर जो है रिप्लेस कर देंगे। तो भाई अब देखते हैं खुलने में जो है इसको हम फुल पावर तो लगा रहे हैं, खुलने का इसको कोशिश तो करें लेकिन अब खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो भाई ये फाइनली जो है नहीं खुल पा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो भाई आप इसका जो सॉकेट देख पा रहे हो ना ये जो है रास्ते में घिस के ना इसका सॉकेट जो है टोटली टूट चुका है, खराब हो चुका है, घिस गया, जिसकी वजह से हमारा जो डीजल फिल्टर असेंबली है ना वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो भाई अब देख सकते हो भैया इसको जो है थोड़ा थोड़ा मार के भी ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। भाई अगर मैं टोटल लगा ये डीजल फिल्टर असेंबली नया लेता हूँ ना तो भाई इसका प्राइस जो है लगभग आपको 2,000-3,000 नहीं 8,000 रुपये में आपको ये डीजल फिल्टर असेंबली देखने को मिलता है। लेकिन भाई फाइनली जो है ना इसमें दिमाग लगाने के बाद भैया ने अपना जो है नीचे का जो अपना डीजल फिल्टर का कवर है ना कैप उसको ओपन कर दिया। अब देखते हैं भाई कि 20,000 किलोमीटर के बाद क्या हालत होता है अपनी गाड़ी के डीजल फिल्टर का। तो भाई ओपन हो रहा है, अब देखने में आपको समझ में आएगा कि भाई क्या हालत हो चुका है। तो भाई 20,000 किलोमीटर ये डीजल फिल्टर चल चुका है, 20 से 25 भी हो चुका होगा, लेकिन भाई ये जो इतना ज्यादा चलने के बाद भी इसमें कोई ज्यादा मेजर डैमेज नहीं है। देख सकते हो आप हल्का हल्का इसका कवर वगैरह ही निकला है। तो भाई आप ये समझ सकते हो कि भाई गाड़ी का जो डीजल फिल्टर है वो आप 20,000 किलोमीटर भी चला सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई इतना ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, 5 से 10,000 किलोमीटर में इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर इसको 5 से 10,000 किलोमीटर रिप्लेस कर दे तो भाई क्या होगा, इस सभी गाड़ी का जो फ्यूल सिस्टम है वो सही रहेगा और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो भाई डीजल गाड़ी में ना इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, हाई प्रेशर पंप लगे हुए हैं, और खराब डीजल अगर चले गए तो भाई इस कंडीशन पे ना पूरा आपकी गाड़ी का फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है। तो भाई आप ये वाला पार्ट चेकआउट करो, यही पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम था। तो भाई देख सकते हो मैंने उसको ऑलरेडी जो नया ऑर्डर कर लिया, तो भाई ये नया ऑर्डर कितने का है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो कहाँ से मंगाए वो भी आपको बता दूंगा। तो भाई आप ये जो पार्ट देख रहे हो ना इसको मैंने बोर्डमो से मंगा रखा है, और बाकी आप प्राइस की बात करोगे तो भाई ये प्राइस जो मात्र 200 रुपये का है। समझ जाओ 200 रुपये में मेरे को जो 8,000 रुपये का टोटल असेंबली पड़ता, लेकिन भाई मैंने सिर्फ इसका कैप मंगा लिया और मेरा 200 रुपये में ही मात्र काम हो गया और फाइनली हमारी गाड़ी का डीजल फिल्टर भी रिप्लेस हो गया। तो भाई ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि अगर आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिल रहा तो भाई अगर आप बोर्डमो से ट्राई कर लो, भाई बोर्डमो में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा मिले लेकिन आपको एक छोटा सा छोटा पार्ट ना बुडमो से मिल जाता है। तो भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बुडमो ने मेरे को ये सब चीजों के कोई पैसे नहीं दिए, भाई इसको मैंने खुद से पैसा डाल के ही इसको ऑर्डर किया हुआ है। तो भाई आप देख सकते हो कि मेरा जो 8,000 रुपये का काम था वो कितने कम में ही हो गया। भाई फाइनली मेरा गाड़ी का डीजल फिल्टर रिप्लेस हो चुका है, और आपको कोई भी पार्ट की जरूरत है भाई आप जो है बुडमो से ले सकते हो, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है कार के स्पेयर पार्ट के लिए। सो गाइस आज के बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।